कुछ मासूम से लगने वाली आदतें जो आपको कर रही हैं बहुत बीमार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये कुछ ऐसी आदतें और उनके हेल्दी अल्टरनेटिव्स जो बहुत ही सिंपली आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। पर उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, निःशुल्क है, बटन बिल्कुल नीचे है। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। सोचने वाली बात तो ये है कि इनमें से बहुत सारी हैबिट्स आप अपनी लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते कि ये आपको हानि भी पहुंचा सकती हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। चलिए आइए देखते हैं वो कुछ आदतें और उनके अल्टरनेटिव्स को। समझने में आपको आसानी हो इसलिए मैंने इस वीडियो को तीन भाग में बांटा है। खाने की आदतें, पानी की आदतें और कुछ अन्य आदतें। खाने की कुछ भयावान आदतें। सूर्यास्त के बाद खाना खाना, यानी आपके पेट का जब सूर्यास्त हो चुका होता है तब आप उसमें खाना डालते हैं, पर क्योंकि आपके पेट में जठार अग्नि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होती है तो उस समय आपके पेट में जठार अग्नि नहीं है और आप खाना डाल रहे हैं तो पचता नहीं है, और जब वो पचता नहीं है तो आपके पेट में गैस होती है, आव बनता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। उसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव क्या है? सूर्यास्त के एक घंटे पहले ही आप अपना खाना खा लीजिए, या अगर आपको लगता है कि मुझसे ये नहीं होगा तो सूर्यास्त के बाद अगर आपको भूख लगती है तो एक गिलास दूध या एक या दो केले खा लीजिए और कुछ ही समय में आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी। हमेशा कुछ ना कुछ खाते या चबाते रहना। आपने क्या कभी देखा है कि जानवर जो बाहर रहते हैं या आपके घर पर भी रहते हैं, उन्हें केवल दिन में एक या दो बार ही खाने की आदत होती है। उनके सामने अगर आप कोई ऐसी भी चीज़ परोस दे उनके खाने के समय के अलावा तो भी वो उसे सूंघेंगे भी नहीं। तो एक्चुअली आपका भी शरीर कुछ इसी तरह से बना होता है कि उसे हमेशा खाने की आवश्यकता नहीं होती है, पर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आपका माइंड बहुत कंपल्सिव होता है तो आप उस कंपल्सिवनेस को कम करने के लिए बस खाते रहते हैं, पर इसका जो दुष्परिणाम होता है वो आपके शरीर पे होता है, वो आपके स्वास्थ्य पे होता है। तो इसका अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या है? आपको जब कभी भी भूख लगे तो आप केवल थोड़ी सी सौंफ चबा लीजिए, या अगर आपके पास सौंफ नहीं है तो थोड़ा जीरा चबाइए, या जीरा भी नहीं है तो केवल थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपकी भूख तुरंत कम हो जाएगी और आप अपने वापस से जो भी आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। दो आहार के बीच में 6 से 8 घंटा ना रखना, ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती होती है। तो बेसिकली जब आप खाना खाते हैं तो आपके खाने को, आपके स्टमक को पचाने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटा लगते हैं और उसे आपके इंटेस्टाइन में पुश करने के लिए। पर उसी दौरान जब आप एक नया इनपुट आपके स्टमक को दे देते हैं तो होता क्या है कि आपका स्टमक अनडाइजेस्टेड फूड को ही आपके इंटेस्टाइन में पास ऑन कर देता है, ये सोचते हुए कि अब उसे एक नई ड्यूटी मिल गई है जिसे उसे पूरी करनी है। तो होता क्या है, आपका अनडाइजेस्टेड फूड आपके स्टमक में बैठ जाता है, वो पूरी तरह से पचा नहीं होता है, इसकी वजह से आव होता है, इसकी वजह से आपको ब्लोटिंग लगती है, इसी की वजह से बहुत आपकी एसिडिटी होती है, आपकी पूरी चेस्ट में आपको जलन होती है। तो इसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव है कि आप 6 से 8 घंटे के बीच में आप कुछ ना खाएं। आप पानी पी सकते हैं, पर अगर आपको ऐसा बहुत अर्ज होती है, क्योंकि ये एक हेल्दी चेंज है, तो आप इस समय आप अपने टाइम को एक ऐसी हॉबी में इनकल्केट कीजिए जो आपको बहुत सहजता से आती हो। मे बी इट कैन बी सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, या आप कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत अपने दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े, और स्लोली आप ये 6 से 8 घंटा डेफिनेटली मैनेज कर सकेंगे। आजकल एक नया फैड आ गया है, लोग खाने को अपने सोने के बेड पर खाते हैं। ये कुछ इसी तरह से है कि आप जो आपके शौचालय की एक्टिविटीज़ हैं वो आप अपने किचन में कर रहे हैं, किचन की एक्टिविटीज़ को आप अपने शौचालय में कर रहे हैं, और जो बेडरूम की एक्टिविटीज़ हैं वो आपके हॉल रूम में कर रहे हैं, या आपके ऑफिस की एक्टिविटीज़ आप अपने किचन में कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ का, हर एक रूम का और स्पेस का एक खुद का रेलेवेंस होता है। तो उसी तरह से जब आप अपने खाने को आपके बेड पर खाते हैं तो आपके बेड में बहुत ही तामसिक ऊर्जा होती है, वो तामसिक ऊर्जा की बहुत ज़रूरत होती है आपको सुलाने में, पर उसी ऊर्जा को आप जब खाने के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो होता क्या है, आप खाने के बाद बहुत लथार्जी फील करते हैं, बहुत आलस्य फील करते हैं और आप ऊर्जाहीन फील करते हैं।
तो सबसे बेस्ट चीज यही होती है कि आप गो बैक टू योर रूट्स, जहां पर आप जमीन पर बैठ के खाना खाएं, चौकड़ी मार कर खाना खाएं, अपने हाथों से खाना खाएं, और खाने से पहले खाने का आभार मानकर खाना खाएं, क्योंकि उस खाने ने अपना जीवन दान दिया है आपका जीवन बनने के लिए। आभार के साथ खाने को ग्रहण करें, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ना केवल आप शारीरिक रूप से पर आपकी पूरा जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक चेंज ऑटोमेटिकली आएगा। बहुत लोगों को खाने के बाद टहलना बहुत पसंद है, अच्छी चीज़ है, आप टहलिए, पर खाने के तुरंत बाद नहीं। खाने के तुरंत बाद आपको थोड़ा बैठना है, कम से कम 10-15 मिनट बैठिए, और 10-15 मिनट होने के बाद फिर टहलिए। अगर आप तुरंत खाने के बाद टहलना शुरू करते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो विभाजित हो जाती है, तो बेसिकली आपके स्टमक से वो निकल के आपके हाथों पे, पैरों पे, आपके तलवों पर जाने की कोशिश करती है, तो होता क्या है कि ऊर्जा विभाजित, डाइजेशन स्लो, इसकी वजह से आपको एक्चुअली एक्सेसिव ब्लोटिंग होती है, आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगती है, और ये ही आगे जाके आपका रोग का कारण बनता है। सिंपल सॉल्यूशन, 10 से 15 मिनट खाने के बाद आप वॉक करें। फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है, पर क्या आपको पता है खाने के बिल्कुल बाद आप जब फ्रूट्स खाते हैं तो वो बहुत भयंकर एक आदत है। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया 6 से 8 घंटे लगते हैं आपको एक पूर्ण आहार को अपने स्टमक से आपके आंतों तक जाने के लिए, और जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उन्हें केवल आधा घंटा लगता है आपके स्टमक से आपके आंतों तक जाने के लिए। तो सोचिए आपका खाना आपने अभी खाया और उसके बाद तुरंत आप फ्रूट्स खाते हैं, तो फ्रूट्स आपके अनपचाए हुए खाने को आपके स्टमक से आंत के अंदर जाने के लिए इंडिकेट करता है, और इसी के वजह से अनपचा हुआ खाना आपके इंटेस्टाइन में जाता है। इससे होता क्या है, अगेन एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस और आव बनना शुरू। सॉल्यूशन इसका सबसे सिंपल है, अगर आपको फ्रूट्स बहुत अच्छा लगता है तो आप खाने के आधे घंटे पहले फ्रूट्स खा लीजिए और उसके बाद आप खाना खाइए। अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा कि पानी की गलतियां क्या हैं और उसी के साथ और कुछ गलतियां जो ये दोनों चीज़ों को और भयावान बना देती हैं। बाहर से घर आने के बाद तुरंत फ्रिज का बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी पीना अच्छा तो बहुत लगता है, मन को भी बहुत खुश कर देता है, पर आपके स्वास्थ्य की पूरी बैंड बजा देता है, क्योंकि जब आप अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती रहती है। बाहर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरनल बॉडी मैकेनिज्म उस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चेंजेस करता है, आपके बॉडी के पानी के अंदर चेंजेस करता है। तो तुरंत जब आप बाहर से अंदर आने के बाद ठंडा कोल्ड कोल्ड पानी पिए तो आपकी बॉडी एक कंफ्यूज स्टेट में चली जाती है, आपका पानी एक कंफ्यूज स्टेट में चला जाता है, और इसी की वजह से होता क्या है, पानी आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे रोग पैदा करता है क्योंकि आपने उसको कन्फ्यूज़ कर दिया। सॉल्यूशन सिंपल है, घर पर आने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक पानी ना पिए और उसके बाद नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पिए, आपको अच्छा भी लगेगा और इससे आपकी हेल्थ कंडीशन भी अच्छी बनी रहेगी। खाने के तुरंत बाद धड़ाधड़ पानी पी लेना। खाना जब आप खाते हैं तो बेसिकली जैसे ही आपके हाथ में खाना आता है वहाँ से ही पाचन शुरू हो जाता है, और उसी के साथ जब तक वो पेट तक पहुँचता है उसका पाचन चलता रहता है। पेट में जाने के बाद जठर की अग्नि उसे और पचाने की कोशिश करती है, पर वो अग्नि है, और जब आप तुरंत खाने के बाद पानी पीते हैं तो आप क्या करते हैं, उस अग्नि को बुझा देते हैं। अब वहाँ पर अग्नि है ही नहीं तो आपका खाना पचेगा कैसे, अब वो पचेगा नहीं तो क्या होगा, आप बनेगा, आप बनेगा तो क्या होगा, बीमारी पैदा होगी। सॉल्यूशन क्या है, सिंपल, खाने के तुरंत बाद पानी आपको नहीं पीना, कम से कम आधा घंटे से 40 मिनट के बाद घूंट घूंट लेकर पानी पीना है। खड़े रह के पानी पीने में तो किसी को कुछ ऐसी गलती लगती नहीं है, पर ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आप
खड़े रहकर पानी पीते हैं तो आपके बॉडी के अंदर के जो फ्लूइड्स हैं वो बड़े ही परेशान हो जाते हैं और उन परेशानियों की वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे इम्बैलेंसेस होते हैं। पानी कोई कमोडिटी नहीं है, पानी एक्चुअली आपका एक लाइफ मेकिंग एलिमेंट है। तो उससे जब आप ग्रहण करते हैं बहुत ही आभार के साथ लीजिए, बैठकर एक एक घूंट के साथ लीजिए, तो देखेंगे आप बहुत डिफरेंस आपके लाइफ के अंदर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है, जब ही भी आप अपने हाथ में कोई भी ग्लास पकड़ें बाय डिफ़ॉल्ट एक सिग्नल आपके दिमाग में जाना चाहिए कि आपको बैठना है। कहीं पर भी बैठ के ही आप किसी भी लिक्विड को ग्रहण कीजिए, चेंजेस आप खुद ही देखेंगे। सुबह सुबह खाली पेट चाय पीना, अगर आपको सुबह सुबह उठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है तो बेसिकली चाय जो रहती है वो बहुत एसिडिक होती है और सुबह में आपके सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारा एसिड बना हुआ होता है, पित्त आपका बहुत हाई चल रहा होता है। तो उसी समय आप जब चाय पीते हैं बेसिकली उस पित्त में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पित्त में चाय पीने के बाद और ज़्यादा आप पित्त ऐड कर देते हैं, तो फायर के साथ और फायर। पर जब तक वो फायर को कुछ मिलता नहीं है खाने के लिए तो वो क्या करता है, वो आपके खून में प्रवेश कर लेता है और खून के इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को खाने लगता है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सुबह उठ के चाय ना पिए, पर आप चाय का एक ऑल्टरनेटिव है जिसे हम कहते हैं ग्रीन टी पीना शुरू करें, वो इतनी हानिकारक नहीं होती है। मल त्याग केवल इंग्लिश कमोड पर करना, इंडियन स्टाइल में नहीं। अंग्रेज तो चले गए पर उनके कमोड यहीं फेंक के चले गए और उनका दिमाग फ्रोजन माइंड भी यहाँ पे हमें हम भारतीयों को चिपका के चले गए। क्या आपको पता है कि जब आप कमोड पर बैठते हैं तो आप बेसिकली 90 डिग्री एंगल पर होते हैं और ये एंगल आपके आंतों को पूरी तरह से बंद रखता है, प्लस आपके रेक्टम और एनस को भी पूरी तरह से बंद रखता है। तो आपका सिग्नल जाता ही नहीं आपके एनस पे कि उसे ओपन होना है। जब आप एक सर्टन एंगल में बेंड करके बैठते हैं आपके पैरों को और आपके ऊपर के पॉस्चर को, तो ऑटोमेटिकली एक सजेशन जाता है आपके रेक्टम पे, आपके स्पिंस्टर मसल्स को कि उन्हें ओपन होना है। और जैसे ही वो सिग्नल जाता है तो ऑटोमेटिकली आप मल को आराम से त्याग कर पाते हैं। तो करें क्या, सिंपल सी चीज़ है, अपने वेस्टर्न कमोड पे ही आप स्क्वाट करके बैठने की कोशिश करें। अगर वैसे नहीं होता है तो आप वेस्टर्न कमोड पे बैठें पर अपने पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल रख दीजिए जिससे आपके पैर थोड़े ऊपर हो जाएं और मल त्याग करने में आपको आसानी होगी। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं बने रहिए, क्योंकि आगे की जो कुछ चीज़ें हैं वो और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये पानी और आपके खाने के साथ जब मिलती हैं तो वो और भयावान इफेक्ट लेके आती हैं। सूर्य देव से बचते रहना, क्या आपको पता है आप सोलर पावर हैं, कल को अगर सूर्य नहीं होगा तो ये लाइफ भी नहीं होगी। पर हम सभी लोग सूर्य से इतना बचते रहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज शुरू हो जाती हैं और सबसे मेन आपके हड्डियों के, आपके बोन्स के, आपके स्पाइन के, आपके इम्बैलेंस हार्मोनल इम्बैलेंसेस के मेन कारण रहते हैं धूप की डेफिशिएंसी, जिसे हम कई बार D3 डेफिशिएंसी बोलते हैं। और वो डेफिशिएंसी आपका स्ट्रेट अवे जब आप 10 से 15 मिनट रोज अपने आप को एक्सपोज करते हैं सूर्य को, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जनरेट कर लेती है। कल जब आप सुबह में उठें तो थोड़ा ध्यान दे के उठें, क्या आप राइट साइड से उठ रहे हैं या लेफ्ट साइड से उठ रहे हैं, क्योंकि जब आप लेफ्ट साइड से उठते हैं तो अननोइंगली आप अपने शरीर को बहुत हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि आपके शरीर का मेटाबॉलिक रेट बहुत गिर जाता है और उसी साथ जब आप लेफ्ट साइड से उठते हैं तो सडनली उसे जर्क लगता है। तो अच्छी चीज़ यही होती है कि आप आराम से राइट साइड के ऊपर रोल होके उठें तो आप अपने बॉडी को हानि कम पहुँचाएँगे। सर पर तेल ना लगा के अलग अलग प्रकार के जेल या स्प्रेज का यूज़ करना, आयुर्वेद में एक सिंपल सी चीज़ है। आयुर्वेद कहता है कि जो चीज़ आप खा नहीं सकते उसे आप लगा भी नहीं सकते। तो जो भी चीज़ आप अपने सर पे लगा रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, सिंपल चीज़ आपको नेक्स्ट टाइम करनी है उस समय पूछिए ये प्रश्न, क्या मैं ये चीज़ को खा सकता हूँ, अगर नहीं तो वो हानिकारक है क्योंकि उसके अंदर इतने सारे केमिकल्स और कंपाउंड से भरे हुए होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रोज़ थोड़ा तेल लगाना है एंड स्विच ओवर टू नेचुरल ऑयल। कोकोनट ऑयल लगाइए, तिल का तेल लगाइए या आपका सरसों का तेल लगाइए, आपके बाल भी बहुत अच्छे रहेंगे और आपकी वो जो दोषिक सिस्टम है
वो भी हमेशा बैलेंस रहेगा। और अगर अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो ने आपको कुछ तो हेल्प डेफिनेटली किया है। तो ऐसे ही और कुछ हेल्पफुल वीडियोस को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ जो आप देख सकते हैं, और उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए एंड लेट अस नो हम और कौन से दूसरे वीडियोज़ आपके लिए बनाएँ।